हेलो फ्रेंड्स, आप हैं सुनीता शर्मा के साथ। जी हाँ, सुनीता शर्मा के साथ और इस प्रकृति के साथ। बस इंजॉय करते चलिए दोस्तों। कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये तो बाद में बताएंगे। चलिए अभी तो फिलहाल, कहते ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सचमुच कई सही तो बनी है कहावतें, सभी कुछ हरा ही हरा है इन सड़कों की आर और पार दोस्तों। चलिए आप इंजॉय कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। सब कुछ बड़ा ही सुंदर है ना। चलिए हम बता ही देते हैं कि हम कहाँ आ रहे हैं दोस्तों। आए हैं हम खेत में। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक खेती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये पास में गोबर है, गोबर की खाद डाली जाती है और इस तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। कौन माने कि हाँ ऑर्गेनिक खेती भी होती होगी। आजकल लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, जबकि दोस्तों आज भी है हमारी ऑर्गेनिक जिंदाबाद। देखिए ये सारे के सारे ये लौकी लगी है। हाँ तभी देखिए चाय खरपतवार भी उग गई है, लेकिन फसल भी अच्छी हो रही है। हाँ अभी छोटी है। तो भाई आप गोबर की खाद डालते हो? पूरा ना, ये सब लौकी है। अच्छा, मतलब बेल नहीं के लिए जी, कटिंग लेने के लिए आए ऐसे महकते हुए गुलाबों के फूल के बगीचे में। जोरावर जी के यहाँ, भाई साहब के यहाँ स्कूल में लगाएंगे, इतने प्यारे प्यारे गुलाब हमारे यहाँ लगेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है जी। ये कलम लगेगी मेरे अपने स्कूल में और फिर दोस्तों खिलेंगे ऐसे ही प्यारे फूल जी। अब मेरे का फाटा मत लियो। देखिए ये पूरा खेत ही निका है। आपके जैसे मैडम है वहाँ, क्या मालूम उसका बहुत बड़ा पोस्टिंग बता। तो दोस्तों इस तरह से हम कहीं से भी ले लेते कटिंग और फिर अपनी जगह पर किसी भी जगह को और ज़रा खूबसूरत बनाते हैं। तो ये गुलाब के फूल कैसे लगे आपको और हमारी कटिंग लेने आना भी आपको कैसे लगा? बस सुबह सुबह आ गए कटिंग लेने के लिए, अभी तो स्कूल चालू भी नहीं हुई है। हम तो सुबह ही आकर के घर का दरवाजा खटखटा दिया और लेने आ गए इस तरह की गुलाब के फूल। हाँ तो दोस्तों ये बताइए कि आपको इस तरह हमारे साथ घूमना और नेचर को निहारना, गांव की जिंदगी को देखना, गांव के लोगों से मिलना लगता है कैसा, वो भी मुझे बताइए। देखिए नैसर्गिकता यानी प्राकृतिक चीज़ें प्राकृतिक होती है ना, लेकिन जब हम इसके साथ छेड़खानी कर देते हैं तो ये जो सौंदर्य है, ये जो सुंदरता है, जो विधि के द्वारा दी गई है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है दोस्तों। इस तरह के पहाड़ देखिए और इस तरह से पहाड़ों में से आती हुई मोरों की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। लेकिन होता क्या है कि अब धीरे धीरे इस तरह के पहाड़ कटते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही हैं, लोग पहाड़ों पर बसते जा रहे हैं, तो भाई हो क्या रहा है कि हाँ इतनी ये जो सुंदरता आज हम देख रहे हैं, कल हो या ना हो पता नहीं। चलो अब दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतनी ही बात काफ़ी है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों।